मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे बौद्धिक संपत्ति भी हिंदी में कहा जाता है। आप अपनी बुद्धि से कोई नया स्किल डेवलप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो बौद्धिक संपत्ति के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। इसी वीडियो में मैं कुछ बातें आपको पेटेंट के संबंध में, कॉपीराइट के संबंध में, ट्रेडमार्क के संबंध में भी बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो इम्पॉर्टेंट है और इसको बीच में बौद्धिक संपत्ति या संपदा जिसे कहा जाता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। ये वास्तव में क्या है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। दिमाग से आया हुआ आपका कोई विचार है जिसमें आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो विद्या से संबंधित हो, कोई मशीन से संबंधित हो, किसी प्रोडक्ट से संबंधित हो, कोई आपका हुनर हो, तो ये बुद्धि से आई हुई जो प्रॉपर्टी है जिसमें विचार आपके आया, आपने उसके लिए प्रयास किया, मेहनत की, पढ़े लिखे और आप आगे बढ़ गए, आपकी बौद्धिक संपत्ति है हर आइडिया, इसको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत पेटेंट करा सकते हैं, लेटेंट करा सकते हैं और ट्रेडमार्क करा सकते हैं, कॉपीराइट इसका ले सकते हैं। जैसे आपने कोई पुस्तक लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जैसे एप्पल है कंपनी का नाम, कोका कोला थी, आपकी मूवीज है, कोई गाना है, कोई स्किल है, कोई डिजाइन है, कोई आर्ट है, कोई बुक है, ये सारी चीजें, कार का मैन्युफैक्चर है, कोई लाइसेंस आउट है, ये सब चीजें इंडस्ट्रियल कोई डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, इसको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत पेटेंट भी करा सकते हैं, कॉपीराइट भी ले सकते हैं। तो ये पेटेंट डिजाइन प्रोडक्ट का, मशीन का, कोई दूसरा आदमी न चुरा सके, उसकी नकल न कर सके, इस उद्देश्य से ये सब कराया जाता है। इस पे लॉ बना हुआ है, ये आपकी बौद्धिक संपदा कहलाती है और लोगो उसका सिंबल हो सकता है, आपका कोई पेटेंट हो सकता है। ऑक्सफोर्ड के किसी मामले में उसने कोई कंटेंट उसका चोरी कर लिया था। ऐसे ही एक रामेश्वरी का केस हुआ था जिसको बच्चों ने बाद में कोर्ट के समक्ष धरना दिया, गरीब बच्चों की कोर्ट ने मदद की। और ऐसे याहू इंडिया का एक मामला हुआ था। तो ये सब चीजें, आज कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसको पेटेंट आपको करा लेना चाहिए। माजा है, जैसे बिस्लरी है, ये सब पेटेंट मार्क है। छोटी कोई भी कागजी कार्रवाई आपको करनी होगी, उसको रजिस्टर्ड कराना होगा, नोटिस जाएगा, वो वेरिफिकेशन करेंगे कि इस नाम का कोई और प्रोडक्ट तो नहीं चल रहा है, और यदि आपका मामला स्टैंडर्ड जो उनके नॉर्म्स हैं उस पर खरा उतरता है तो आपको वो पेटेंट मिल जाएगा। बिजनेस को आपको बड़ा करना है तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके दिल से निकलती हैं, उससे आपको काफ़ी फायदा होता है, आपका बिजनेस चल निकलता है, घर बैठे किराया मिल सकता है और बिजनेस में आप लीडरशिप हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर आप ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में दिमाग से आए हुए विचार पर कमाई कर सकते हैं। और एक चीज मैं इसमें और आपको ये बता दूं कि जो भी आइडिया आपका निकला है प्रॉफिट कंटेंट का, उसको आप अमल में लाइए, आगे बढ़िए, तो आपको निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलेगी। आसमान से उड़ना है तो डरना छोड़ दो और बिजनेस को लीडरशिप से जोड़ दो, ये कहावत है। इसमें सफल होने के लिए आपको मेहनत और लगन और ईमानदारी से काम करना होगा, अपनी बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल करना होगा, तो निश्चित तौर पर आप एक सफल व्यवसायी व्यापारी बन सकते हैं। दिमागी आइडिया आपका बौद्धिक संपदा कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक, उसको लेकिन आप लेटर पेटेंट वगैरह अवश्य करा लें। इसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, अलग से ऑफिस है, प्रिस्क्राइब फीस लगती है, फॉर्म भरना होता है, सारी जांच पड़ताल के बाद आपको आपके प्रोडक्ट का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रूप में पेटेंट वगैरह मिल जाता है। जैसे किसी भी बुक को आपने पब्लिश किया तो उस कंटेंट को दूसरा आदमी नकल नहीं कर सकता है, ट्रेडमार्क एक आपको हासिल हो जाएगा, उसका एक मोनो रहता है, कोई एक जानकारी ऐसी होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप जुड़े रहिए इस चैनल से, पैरामीटर ऑफ लॉ से। मैं छोटी छोटी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा दे रहा हूं और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको कानून की जानकारी हो सके। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।